आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे FL Studio में आप अपने फ़ोन से की हुई नॉर्मल रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू विल लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल वीडियोस। तो गाइस, ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने आईफोन में रिकॉर्ड की थी रात को करीब 12:30 बजे के आसपास, जब मेरे घर के आसपास शोर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे रीनेम कर देते हैं और जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक M4A फाइल है जिसे हम सबसे पहले MP3 में कन्वर्ट करेंगे किसी भी ऑनलाइन कन्वर्टर से। तो ये फाइल हो गई है डाउनलोड। गाइज, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये FL Studio का ट्रायल वर्जन है और मुझे इस सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं बस इस सॉफ्टवेयर को अपनी रिकॉर्डिंग में से बहुत अच्छे तरीके से नॉइज़ रिमूव करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो हम ज़्यादा डीप ना जाकर बस नॉर्मल ही इसे यूज़ करेंगे ताकि आपकी भी बैकग्राउंड वॉइस एकदम साफ ना सुनाई दे और आपको ज़रूरत ना पड़े एक महंगे माइक को खरीदने की और आप अपने 10-15 हज़ार बचाकर उन्हें कहीं और यूज़ कर सकें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपनी कन्वर्टेड MP3 फाइल को FL Studio में। और पहले मैं आपको सुनाता हूँ, ये एकदम रॉ रिकॉर्डिंग है। आप अगर हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो इस रिकॉर्डिंग में आपको बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल साफ सुनाई देगा। मैं प्ले कर देता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। तो गाइस, आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको अभी फिर से सुनाऊंगा, बट उससे पहले हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इसे एडिट कर लेते हैं, जिसके लिए हम इस रिकॉर्डिंग पर करेंगे डबल क्लिक और यहाँ राइट क्लिक और क्लिक करते हैं एडिट पर। और ये रिकॉर्डिंग हमारी ओपन हो गई है एडिशन में, जहां हम इस रिकॉर्डिंग में से नॉइस रिमूव करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। सबसे पहले ये जो एंड में साउंड है, इसे माउस की हेल्प से सिलेक्ट करके इसे करते हैं डिलीट। अब हम अपने रिकॉर्डिंग के उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां हमें अपनी रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड नॉइस साफ साफ सुनाई दे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब इसे सुनते हैं। अगर आप हेडफोन में सुनेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल साफ सुनाई देगा। इस नॉइज को रिमूव करने के लिए हम यहां इस ब्रश जैसे दिखने वाले टूल पर करेंगे राइट क्लिक, जिससे ये सॉफ्टवेयर इस रिकॉर्डिंग की नॉइज प्रोफाइल को एक्वायर कर लेगा। यानी कि अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊं तो FL Studio ने एक पर्टिकुलर नॉइस को अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर लिया है ताकि जहाँ जहाँ भी ऐसा साउंड होगा, यानी कि हमारा बैकग्राउंड नॉइस, ये उसे वहाँ वहाँ से रिमूव कर देगा। अब जैसा कि इसने नॉइस प्रोफाइल को एक्वायर कर लिया है, हम अपनी पूरी रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और इस बार फिर से उसी ब्रश जैसे दिखने वाले टूल पर करेंगे लेफ्ट क्लिक, जिससे हमारे सामने डिनॉइज नाम की एक विंडो ओपन हो जाएगी। याद रखिए, मैंने पहले राइट क्लिक किया था और अब लेफ्ट क्लिक। गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए मैं बस इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ बात करूँगा अमाउंट के बारे में। अगर आपकी रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा है या बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो इस अमाउंट वाले कर्सर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए प्रीव्यू चेक करें और जहाँ आपको लगे कि आपकी वॉइस ठीक आ रही है वहाँ तक रहने दें। अगर आप इसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको वॉइस एकदम अजीब सी सुनने में आएगी। तो
तो हम फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं और प्रीव्यू चेक करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग का कि बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हुआ है या नहीं। हेलो गाइज, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते। तो गाइज, मेरे हिसाब से नॉइज रिमूव हो चुका है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते। और अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस एडिट की हुई रिकॉर्डिंग को इस टूल की हेल्प से ड्रैग करके यहाँ छोड़ देते हैं। अब इसे फाइनली सुनते हैं। राइट क्लिक करें फॉर सिलेक्टिंग योर लेयर्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। अब इस फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे फाइल पर और फिर एक्सपोर्ट पर और चूज करेंगे MP3 और रिकॉर्डिंग को कोई भी नाम देकर सेव कर लेते हैं। अब गाइस, जैसी सेटिंग मैंने यहां की हुई है आप भी वैसी ही सेटिंग कर लें और फाइनली क्लिक करें यहां स्टार्ट पर। ये हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो गई है डेस्कटॉप पर जहां का हमने पाथ दिया था। मैं एक बार फिर से सुना देता हूं कि ये प्ले हो भी रही है या नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते टैकी पर। तो गाइस, आपने सुन ही लिया होगा कि कैसे जल्दी से आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी वॉइस का बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं। गाइस, हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस रिकॉर्डिंग को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते थे, जिसका फ़ायदा होगा ये कि आपको अपनी YouTube की शुरुआती वीडियो के ऑडियो के लिए महंगे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसी वीडियो में सब बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा ताकि आप अपनी रिकॉर्डिंग को और भी ज़्यादा क्लियर और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम नमस्ते टैकी। बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप ग्रोइंग।